अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा 1857 द्वारा 17 कोर कमेटी की बैठक और 18 जून को प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया जाएगा। अधिवेशन में देश भर से क्षेत्रीय समाज के प्रतिनिधि जुटेंगे। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह अधिवेशन में समाज के लोगों को जोड़ने, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने सहित कई विषयों पर संपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी। पता है कि पटना में 22 और 23 जून को G20 की लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक की जा रही है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 29 देशों से कम 80 लोगों ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है। जब तक मुझे लगता है कि करीब 150 डेलीगेट्स के आने की संभावना है विभिन्न देशों से, और ये डेलीगेट्स 21 तारीख को आना प्रारंभ कर देंगे और 22 तारीख को उद्घाटन प्रस्तावित है। 22 तारीख को ही बिहार सरकार के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम और एक डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है सभी डेलीगेट्स के लिए। 23 तारीख को फिर से मीटिंग्स वगैरह होगी और वो लोग उस दिन गुरुद्वारा भी जाएंगे। और 24 तारीख को नालंदा का जाने का प्रस्ताव है। तो बेसिकली ये डेलीगेट्स 21 तारीख से 24 तारीख तक हमारे मेहमान बनकर पटना में रहेंगे और उनके आने के लिए सभी विभागों की मदद से सारी तैयारी पूरी की जा रही है। खाने ही नहीं, उनके लिए को एक बिहार के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, बिहार की प्रगति के बारे में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, और ख़ासकर महिलाओं, क्योंकि लेबर एंगेजमेंट मीटिंग है तो महिलाओं के लिए जो बिहार सरकार ने काम किया है जीविका के माध्यम से या रिजर्वेशन जो दिया है नौकरियों में, चाहे उनका जो वर्कफोर्स है उनके बारे में स्पेशली हम लोग हाईलाइट करेंगे। और हाँ, जैसा आपने पूछा कि व्यंजन के बारे में, तो बिहारी व्यंजन का अलग काउंटर होगा जिसमें हम लोगों को बिहार के सभी तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन से परिचित कराएंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने देशों के लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उनका अपना सॉफ्ट पावर उनको दिखाएंगे। सॉफ्ट पावर में हमारा आर्ट होगा, कल्चर होगा, टूरिज्म होगा, फूड होगा, बट उसके साथ साथ हम बिहार की प्रगति को भी दिखा रहे हैं। बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, बिहार का जो अब इतना इंडस्ट्रियल